दोस्तों ये मोबाइल Redmi 8 है, देखिए इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कस्टमर कह रहा है कि रात में मोबाइल चार्ज पे लगाया, अभी ये जो है चार्ज नहीं हो रहा और ऑन भी नहीं हो रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों इस फोन को खोल के चेक करते हैं। सिम भी इसी में लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों फोन खुल गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका बैटरी चेक करना है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को DCV पे सेट कर लेना है। अब बैटरी को चेक करना है। देखिए दोस्तों बैटरी चार्ज है। अब मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करके मिडिल पत्ते पे देखना है 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इसका मतलब चार्जिंग जैक ओके है इसका। ये देखिए इसका चार्जिंग जैक ओके है और चार्जिंग पत्ता भी ओके है। अब पत्ते को लगाकर बैटरी कनेक्टर पर देखना है कि 3 से 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही चार्जर लगाने पर। ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक जम्पर लगाना है बस। अब वो कहाँ से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या काम किया, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही थी, ठीक है। यहाँ से हमने जो है एक जम्पर लेके डायरेक्ट PCB में VBUS के पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है। और इस वायर को ढक लेना है ताकि ये ग्राउंड में कहीं भी शॉर्ट ना हो। अब देखते हैं मोबाइल चार्ज करके। ये देखिए दोस्तों अब इसमें चार्जिंग का लोगो आ गया, पहले इसमें चार्जिंग का लोगो भी नहीं आ रहा था। ये देखिए अभी इसकी बैटरी डाउन है तो इसको हम चार्जिंग पर लगा के छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों बैटरी चार्ज भी हो रही है, ये देखिए 11% हो गई।